देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं घर में था नहीं, वीआईपी आया था। जब आके मैं सीधे वीआईपी के साथ टिल 9:30 उसके साथ वापस मैं रात को आया, तो नेक्स्ट डे पता चला कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि कोई दो लड़का आया, एक लड़का ने हमारा सिक्योरिटी पर्सनल जो हाउस गार्ड है उसके साथ में थोड़ा मारपीट हो गया, तो उसको थाना लेके गया। अब थाना में क्या हुआ नहीं हुआ वो तो अभी आपको पुलिस वाला ही बता पाएगा। देख, एक्शन लेना नहीं लेना इट विल बी द आउटकम ऑफ इंक्वायरी है ना, ऐसा प्राइवेसी कोई अभी देखिए, जब अभी जो जिस तरीके से हमको यहाँ तो अभी थोड़ा इंटरनेट का इश्यू है, पता नहीं चल रहा है, थोड़ा मोरा जो पता चल रहा है तो अभी एलिगेशन काउंटर एलिगेशन चल रहा है, तो ऐसा में मेरा लिए कुछ भी कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा। अकेले नाम रियलिटी, और जहाँ तक पता है कि कुछ दवाई का इशू था, कोई लेके आया तो उनको यहाँ पे मैंने लगेज ऑफिसर के पास रखा हुआ था, कलेक्ट करना चाहिए था, तो रात को शायद घर में आया जहाँ तक मुझे पता है, तो हाउस गार्ड ने उसको बताया कि घर में कोई नहीं है, है ना, ना एमएलए है, ना एमएलए का वाइफ है, ना घर का कोई आदमी नहीं है, अब कल आ जाओ। तो उसी में कुछ सुना कि हाथापाई हो गया, हाथापाई मतलब सिक्योरिटी गार्ड को पहले उन्होंने मारा, ये मुझे सुना। लेकिन अभी उनका स्टेटमेंट में ये बोल रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मारा है, तो दिस इज मैटर ऑफ काउंटर एलिगेशन एंड एलिगेशन, तो इंक्वायरी पे बात निकल के आएगा, तो उसमें वी कैन नॉट जंप द गन एट द मोमेंट, है ना, तो क्या हुआ नहीं हुआ आपका डिपार्टमेंट का इंक्वायरी करेगा, तब असलियत सामने आएगा। कठिनाई होगा लेकिन सारा हमारा जितना भी कमिटी अच्छा से शायद पूरा इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया है, और मेनली शायद मोस्ट इवेंट सारा मालीगांव में हुआ, यहाँ पे मैराथन और बैडमिंटन ना, तो और कुछ जेविन थ्रो शॉट, उनका इंक्वायरी करेगा तब असलियत सामने आएगी। और जैसे अभी फर्स्ट एवर सी में डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक गेम्स को मैंने भी इनकाउंटर किया है, एंड आई गॉट टू नो कि बहुत सारे यहाँ के यूथ जो है वो बहुत ही एक्सेलेंट है स्पोर्ट में, तो एनी मैसेज टू द यूथ रिगार्डिंग दिस स्पोर्ट इवेंट? नहीं, इसीलिए ही तो ये लोग कर रहे हैं ना, तो हमारा यहाँ जैसे लास्ट टाइम भी जब ओलंपिक स्टेट ओलंपिक हुआ, हमारा टीम में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस आया, इतना विदाउट इतना जो हमारा यहाँ पे सुविधा भी कम है, नया डिस्ट्रिक्ट है तो टाइम लगेगा, है ना, थिंग्स डजंट चेंज ओवर नाइट, तो समय लगता है, तो आस्ते आस्ते बिल्डअप होगा, लेकिन हमारा एक इनहेरेंट एक्टिविटी है, तो उसी को लेके हम लोगों ने ये कोशिश किया था कि हर जगह में हमको इस फैला के करेंगे, तो मानीगंज के तातों का कुछ इशू था, इन लोगों को पता है, तो तातों में नहीं कर पाया, तो मानीगंज में किया है, और देखा तो मैं मतलब हमारा हर क्षेत्र में यहाँ पे सारा जैसे इवन द वुमेन दे आर वेरी टैलेंटेड, तो हमको उम्मीद है यहाँ से भी हमारा कुछ इन लोगों ने बताया कि लोगों ने ऑलरेडी कुछ चयन किया है स्पोर्ट्स का, ये क्या बोलता है जितना भी लड़का है लड़कियाँ हैं फुटबॉल में वॉलीबॉल में, तो एक फॉर्मेटेबल टीम बन के स्टेट वगैरह या कोई भी आगे टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट करेगा, और हमको उम्मीद है कि इनहेरेंट टैलेंट है उसको जस्ट ग्रूमिंग करने का देरी है और अपॉर्चुनिटी का देने का देरी है, तो ये सब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और आई एम वेरी थैंकफुल टू द कमिटी टीम दैट दे हैव टेकन सो मच पेन, यू नो, टू गो ऑल द वे टू ऑल द प्लेसेस इन द डिस्ट्रिक्ट एंड कंडक्ट, तो यहाँ से उभर के आएगा हमारा टैलेंट सब।